हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के लेवल्स के बारे में। तो आईटीसी में नेक्स्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, इसे विद चार्ट हम लेवल डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं आईटीसी के चार्ट में, जहाँ पर आईटीसी आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो टॉप के लेवल से लगातार करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर मार्केट में अभी करेक्शन होना स्टार्ट हुआ है, अभी लास्ट वन वीक से मार्केट गिर रहा है, बट ये इसमें आप देखें तो ये लास्ट 2-3 वीक से जो टॉप का जो इसमें हाई बना था 238 का, वहाँ से करेक्ट होते होते इसमें अब जो लो लग चुका है 2,209.85 का लग चुका है। तो जिस तरह की इसकी क्लोजिंग हुई है, इसमें नियर बाय में अगर थोड़ा सा भी डाउन साइड पैनिक होता है नेक्स्ट वीक में, तो नियर बाय में अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, जहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करते हैं तो एक शार्प रिवर्सल या फिर 8-10 रुपीज़ जैसा आपको रिवर्सल इस प्राइस लेवल से देखने को मिल सकता है। क्या है सपोर्ट लेवल, उसे आप ज़रूर नोट करके रखें, जिसमें कि आईटीसी में 200.5199.2, ये अच्छे सपोर्ट लेवल है। एग्जैक्टली हमने सपोर्ट लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिए, तो इसे ज़रूर नोट करके रखें। आईटीसी में इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 203.85 की हुई है, बट जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा भी अगर पैनिक होता है, जैसा कि बड़ा सेलिंग देखने को मिला मार्केट में फ्राइडे में, तो वो सेलिंग अगर थोड़ी सी भी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये लेवल टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं आईटीसी में आपको नेक्स्ट वीक में। तो अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं, जो सपोर्ट लेवल अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया 200.5 199.2 का, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस सपोर्ट लेवल को ज़रूर नोट करके रखें और नेक्स्ट वीक में वेट करें सपोर्ट लेवल को टेस्ट होने का, और वॉच करें इसे, ज़रूर वॉच लिस्ट में डाल के रखें आईटीसी को नेक्स्ट वीक के लिए अपने ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में। और जहाँ पे सपोर्ट लेवल बड़े अच्छे हैं, ये सपोर्ट लेवल अगर टेस्ट होता है और यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश नहीं करता है या फिर हॉल्ट करता है इस सपोर्ट लेवल को, तो यहाँ से आपको ज़रूर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 8-10 रुपीज़ जैसा, तो अप्रॉक्सीमेटली 208-210 जैसा आपको प्राइस लेवल इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, उस कंडीशन में आईटीसी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। बट मार्केट में जिस तरह की सेलिंग हो रही है, मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, बड़े प्रेशर के साथ गिर रहा है, तो उसमें हमें इसके डाउन साइड के भी जो नियर बाई में एक और टारगेट है उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें कि 199.2 का लेवल अगर ब्रेक करता है आईटीसी और इसके नीचे में क्लोजिंग दे देता है, तो आपको 192 तक के लेवल देखने को और करेक्शन होने को दिख सकते हैं। तो इसे भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, बट अगर आप इसे वॉच लिस्ट में डाल के थोड़ा सा वेट करके अगर ट्रेड करते हैं, वॉच करें, तो आपको चाहे किसी भी तरह की इसमें मूवमेंट हो, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से उसे पॉजिटिव वे पे यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं। जो लेवल है वो अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, ज़रूर नोट करके रखें और वॉच करें, वेट करें। और इस लेवल को अगर टेस्ट करता है तो आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाइएगा, और यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि इस प्राइस लेवल में जब ये आएगा तो इसके नीचे में सिंगल या फिर सडनली इसे ब्रेक करके इसके नीचे में ही क्लोजिंग अगर दे दे, तब उस कंडीशन में बिल्कुल अवॉइड करना है बाइंग को। बट जैसा कि यहाँ पर ऐसे शेडो बना के इसके ऊपर में फिर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर में आ जाए प्राइस, तब उस कंडीशन में आपको ज़रूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी इस प्राइस लेवल से। तो आई होप आप लेवल्स को ज़रूर नोट करके रख लिए होंगे और नेक्स्ट वीक में इसे ज़रूर वॉच लिस्ट में डाल के रखें आईटीसी को, जहाँ पे आपको एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ब्रेक कर दे तो भी हमने नीचे के लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिए कि अगर ये ब्रेक करता है, जिस तरह की मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो अगर ये प्राइस लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें नीचे में किस तरह की और थोड़ी सी जो पैनिक है, जो सेलिंग है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों कंडीशन में आप ज़रूर इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और वेट करके वॉच करके ट्रेड करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी लेवल जो एडवांस में हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं इंसेंट हमने टॉप से आपको सेल करने का रिकमेंडेशन दिया और वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सेम हमने टॉप के लेवल से, जो कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करने वाला था, हमने आपको आपके साथ डिस्कस किया, वहाँ से भी एक गिरावट देखने को मिली। भेल में हमने बाइंग सजेस्ट किया था और इतनी बड़ी मार्केट में जो सेलिंग हुई उसके बाद भी इसमें अच्छा रैली देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ एडवांस में डिस्कस करते ही रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।